अगर स्त्री और पुरुष के दांतों के बीच में गैप होता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ होता है। सामुद्रिक शास्त्र में खासकर स्त्रियों के दांतों के बीच में गैप होने के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथ है। इसकी विद्या को समझना बहुत ही कठिन होता है। आज भी इसे पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया है। सामुद्रिक शास्त्र की विद्या से किसी भी मनुष्य के स्वभाव एवं भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर का निर्माण होते समय ही उसके शरीर पर कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे जैसे वह शरीर बढ़ता जाता है, कालांतर में अनेक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर की बनावट शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर ही होती है और उसके शरीर पर प्रकट होने वाले कई निशान उसके पूर्व जन्म के बारे में जानकारी देते हैं। वही शरीर के अंगों की बनावट तथा अन्य निशान उसके भाग्य की जानकारी देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री और पुरुष के शरीर के सभी अंगों के लक्षणों का वर्णन किया गया है, जिससे हम व्यक्ति के स्वभाव एवं भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं स्त्री और पुरुष के शरीर के अंगों के आधार पर उनके भविष्य से जुड़े संकेतों के बारे में। जैसे अगर किसी व्यक्ति के दांतों में गैप होता है तो उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य की जानकारी प्राप्त होती है। हथेली पर बने निशान, आंखों का आकार, पैर का आकार तथा शरीर के विभिन्न अंगों पर बने तिल के निशान के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बचपन से ही कुछ व्यक्ति के शरीर पर ये निशान प्रकट होते हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, ये निशान और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में शरीर पर बने इन्हीं चिन्हों के आधार पर ही विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश की जाती थी। शास्त्रों में उन सभी शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन मिलता है जो एक व्यक्ति के भविष्य से जुड़े सभी राज खोलते हैं। इसीलिए आप भी जान लें, आपके शरीर पर बने निशान आपके बारे में क्या कहते हैं। आपको सफलता कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा तथा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इसी के साथ ही व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी हमारे शरीर पर बने ये निशान हमें देते हैं। इसीलिए हमें इन्हें गौर से देखना चाहिए और कभी दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं शरीर पर बने विभिन्न निशान और लक्षणों के बारे में। सबसे पहली बात, छाती के मध्य में तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के छाती के मध्य में काले रंग का तिल प्रकट होता है अथवा स्पष्ट रूप में दिखाई देता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली माना गया है। ये लोग परिवार में और समाज में अपना अलग ही स्थान बना लेते हैं। ये अपने अथक परिश्रम से व्यापार में तरक्की करते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। छाती पर तिल वाले लोग बहुत ही साफ दिल के होते हैं। इनके अच्छे स्वभाव के कारण इनके बिगड़े काम सदैव ही बनते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। धन प्राप्ति के लिए ये लोग सदैव आतुर रहते हैं। यदि किसी स्त्री के छाती के मध्य में तिल का निशान होता है तो उन्हें सजना सवरना अधिक पसंद होता है। इन लोगों के अंदर कोई ना कोई कला अवश्य होती है और उसी कला का उपयोग करके ये लोग बहुत धन अर्जित करते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सुख शांति से भरा हुआ रहता है। खासकर विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है, अर्थात इन्हें शादी के बाद कामयाबी मिलती है। इनका जीवन साथी हर कार्य में इनका साथ देता है। दूसरा स्थान है नाक पर तिल का निशान। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाक पर तिल होना शुभ लक्षणों में से एक है। नाक पर तिल वाले व्यक्ति का मन बहुत ही साफ होता है, किंतु इनकी प्रकृति शीघ्र कोपी होती है, अर्थात यह लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इन्हें हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, लेकिन ये अपने मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते हैं और कभी किसी के साथ छल अथवा कपट भी नहीं करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है नाक पर तिल वाले लोग स्वाभिमानी होते हैं और ये कर्म पर विश्वास रखते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, ये और भी अधिक कामयाब बनते जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नाक पर तिल वाले व्यक्ति को 30 की उम्र के बाद सफलता प्राप्त होती है। इन लोगों को अपने परिवार से बहुत अधिक प्रेम और सम्मान मिलता है। नाक पर तिल वाली औरतें बहुत बुद्धिमान होती है। ऐसी महिलाएं जीवन में कोई बड़ा कार्य सिद्ध करती है, करियर में इन्हें बहुत सफलता प्राप्त होती है। इनकी वाणी अत्यंत मधुर होती है, जिससे ये किसी का भी मन मोह लेती है। नाक पर तिल वाले लोग चाहे नौकरी करें या व्यापार, इनके भाग्य में हर क्षेत्र में तरक्की होती है। तीसरा स्थान है हथेली पर तिल का निशान। जिन लोगों की मुट्ठी बंद करने पर मुट्ठी में तिल बंद हो जाता है,
ये लोग छोटी उम्र से ही प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इनके अंदर कोई न कोई श्रेष्ठ कला होती है। छोटी उम्र से ही ये लोग दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी इसी कला के कारण ये लोग आगे चलकर यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। हथेली पर तिल वाली महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती है। इनके पास धन आता ही रहता है। इन्हें कम खर्च करने वाली, गृह कार्य में दक्ष माना गया है। ये अपने परिवार से बहुत अधिक प्रेम करती है और एक ही पुरुष के प्रति एक निष्ठ होती है। हथेली पर तिल वाले लोग अपनी कला से जीवन में बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करते हैं। दांतों के बीच में गैप का होना। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दांतों के बीच में गैप होना एक प्रकार से शुभ लक्षण ही माना जाता है। खासकर स्त्रियों के लिए यह लक्षण अत्यंत शुभ माना गया है। दांतों के बीच में गैप वाली महिलाएं बहुत ही बुद्धिमान और समझदार मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करती हैं। इनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन यह गैप केवल सामने के दो दांतों में ही होना चाहिए। अगर सभी दांतों में गैप है तो उसे अशुभ माना जाता है। आगे के दो दांतों में गैप वाले लोग हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करते हैं। इनके अंदर बहुत प्रतिभा होती है और ये मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों में एक कमजोरी पाई जाती है। ये लोग जल्दी ही दूसरों का भरोसा तोड़ देते हैं, अर्थात ये लोग अपने फायदे के लिए दूसरों के नुकसान के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए लोग इनसे मित्रता करने से डरते हैं। हथेली पर एक्स का निशान। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेली पर एक्स का निशान मतलब व्यक्ति एक लीडर बनने की क्षमता रखता है। ऐसे लोग बहुत माना सम्मान और कीर्ति प्राप्त करते हैं। ये अपने पीछे बहुत बड़ी विरासत छोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को उनकी मृत्यु के बाद भी याद रखा जाता है। हथेली पर एक्स का निशान बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों की निशानी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पूरे संसार में केवल 3% लोगों की हथेली पर ही ऐसा निशान होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बड़ी आंखें, लंबी उंगलियां, लंबे बाल, लंबी नाक और सर्प के आकार के तलवों वाली महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री का मुख उसके पिता के समान होता है, ऐसी स्त्री को चरित्रवान और बहुत ही दयालु स्वभाव का कहा गया है। ऐसी स्त्री हर पर के दुख को सहन कर लेती है और कभी क्लेश नहीं करती है। पिता के समान मुख वाली स्त्री की वाणी मधुर होती है और ये कभी कड़वी वाणी नहीं बोलती है। इसीलिए ऐसी स्त्री को विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया गया है कि अगर किसी स्त्री के पैर की कनिष्ठिका उंगली, अर्थात सबसे छोटी उंगली, अगर जमीन को स्पर्श नहीं करती है तो ऐसी स्त्री को बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन जिस स्त्री के पैर की कनिष्ठिका उंगली जमीन को स्पर्श करती है उसे अत्यंत शुभ माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली स्त्री और पुरुष के लक्षणों के बारे में बताया है। क्या आपके भी शरीर पर ऐसे निशान प्रकट होते हैं? तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी